आप देख रहे हैं जो टीम और प्रीति शर्मा आपके साथ। खबरों को विस्तार से भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। देहरादून में शाम 4 बजे सचिवालय में धामी कैबिनेट की बैठक, मीटिंग ड्रोन और एसएमएमई पॉलिसी पर चर्चा संभव, कई अहम प्रस्ताव को मिल सकती है मंजूरी। देहरादून नगर निगम द्वारा मलिन बस्तियों से टैक्स वसूलने की तैयारी, जल्द लगाए जाएंगे कैंप, आयुक्त गोयल ने कहा 5 से 6 करोड़ बस्तियों से निगम होगी आय। उधम सिंह नगर में पुलिस ने अवैध हथियार के साथ 5 बदमाश किए गिरफ्तार, बदमाशों ने पुलिस पर की फायरिंग, बंद पड़ी फैक्ट्री से लाखों रुपए की सरिया कर रहे थे चोरी। डोईवाला में बड़ा हादसा टला, यूटीसी की बस में लगी अचानक आग, धुआं उठता देख यात्रियों में मची अफरा तफरी, बस में सवार थे 24 यात्री, सभी सुरक्षित। कुमाऊं मंडल के बागेश्वर, नैनीताल और चंपावत में मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, नैनीताल और आसपास के क्षेत्रों में बरसात से जनजीवन अस्त व्यस्त, नदी नाले उफान पर। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड में सीएम धामी के दिल्ली दौरे से लौटने के बाद कैबिनेट की बैठक होगी। बताया जा रहा है कि धामी मंत्रिमंडल की बैठक शाम 4 बजे से शुरू हुई। इस बैठक में कई बड़े फैसले हो सकते हैं। सीएम के दिल्ली दौरे से आने के बाद हो रही इस बैठक में सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। जानकारी के अनुसार पिछले दिन उत्तराखंड पुलिस में सिपाही के पदों में कटौती की गई थी और करीब 3,500 पद सिपाही के कम किए गए थे। ये मामला कैबिनेट में आने वाला है, इस कमी को पूरा करने के लिए खास प्रस्ताव तैयार किया गया है। वहीं बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में ड्रोन पॉलिसी, एमएसएमई की नीति समेत राजस्व, कार्मिक, पर्यटन, शिक्षा विभाग से जुड़े प्रस्ताव आ सकते हैं, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। गौरतलब है कि पहले ये बैठक 24 जुलाई को प्रस्तावित थी, लेकिन मुख्यमंत्री के नई दिल्ली प्रवास के चलते बैठक को स्थगित कर दिया गया था। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं, जहां एक ओर बीजेपी एक बार फिर से प्रदेश की 5 सीटों पर हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रही है, वहीं मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस वोट परसेंट का राग अलापते हुए लोकसभा चुनाव जीतने का ख्वाब देख रही है। कांग्रेस का कहना है कि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ा है, वहीं बीजेपी भले ही चुनाव जीत गई हो, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव से करीब 2% वोट घटा है, इसलिए अब बीजेपी की हार तय है। वहीं इस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान का कहना है कि कांग्रेस शासनकाल में हुए भ्रष्टाचार, घपले, घोटालों को जनता ने देख लिया है। देखिए, ग्राफ बढ़ने की बात कांग्रेस कहां का कभी बढ़ी है क्या? 19 सीट से ऊपर बढ़ी है क्या 2012 के बाद? यहां पर धीरे धीरे करके कांग्रेस, जिस प्रकार से कांग्रेस के घपले और घोटाले इस प्रदेश के अंदर उन्होंने किए, वो उत्तराखंड की जनता भली प्रकार जानती है। और उत्तराखंड राज्य को जिस प्रकार से लूटने का काम कांग्रेस के द्वारा किया गया, उसको लेकर के लगातार हम 2012-14 की बात करें, 2019 की बात करें, 2017 की बात करें, 2022 की बात करें, लगातार 4 चुनाव कांग्रेस बुरी तरह से उत्तराखंड में। देहरादून में ज्ञानव्यापी मस्जिद पर आए फैसले का स्वागत किया गया है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने हाईकोर्ट के फैसले की सराहना की है। शादाब शम्स ने कहा है कि सर्वे होने के बाद हकीकत सामने आ जाएगी। ज्ञानव्यापी को लेके माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में एक निर्णय आया है, जिसमें एएसआई को सर्वे की अनुमति दी गई। मुझे लगता है कि सर्वे होना चाहिए, सब लोग इससे सहमत हैं और इसमें सब लोगों को सहयोग करना चाहिए। अगर इतिहास में कुछ गलतियां हुई हैं तो उन्हें सुधारने की आवश्यकता है, और एक प्यार मोहब्बत आपस में एक अच्छा वातावरण बने, दोनों समाज के लोग आपस में वो माहौल बनाएं कि जिससे हम टेबल टॉक्स के लिए बैठ।
रुड़की के एक निजी होटल में व्यापारियों ने इकट्ठा होकर पूर्व मेयर गौरव गोयल द्वारा लगाए गए यूजर चार्ज पर विरोध जताते हुए कहा है कि मेयर गौरव गोयल ने अपने कार्यकाल के दौरान सभी व्यापारियों पर एक समान यूजर्स चार्ज लगाकर व्यापारियों को परेशान करने का काम किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नगर के पार्षद, बीजेपी के नेता और व्यापारियों ने हिस्सा लिया। व्यापारियों का कहना है कि जब सरकार ने अलग अलग टैक्स ना देकर एक ही टैक्स देने की बात कही है तो यूजर्स चार्ज किस बात का लिया जाने का नियम लागू किया गया है। अगर इस बात के बाद भी यूजर्स चार्ज समाप्त नहीं किया गया तो व्यापारियों के द्वारा बड़ा आंदोलन किया जाएगा। क्योंकि मैं एक जिम्मेदारी व्यापार मंडल की मेरे ऊपर है और समय समय पर जब हम लोगों के बीच में जाते हैं तो दुकानदार हो चाहे वो गली मोहल्ले का छोटा व्यापारी हो, सब लोगों की पीड़ा है कि यूजर चार्ज हमारे ऊपर थोप दिया गया और मैं स्वयं भी उसको 500 रुपये हर महीने मैं भी देता हूँ। तो हम लोग कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे थे क्योंकि जब हमारी सरकारें GST को भी सब एक बार ये मतलब चाहते हैं कि भाई एक ही टैक्स हो, हमने कई बार मेयर साहब से भी ये बात रखी, अधिकारी से मैंने बात रखी तो उन्होंने कहा भाई ये तो सभी जगह देना पड़ेगा, जबकि देहरादून में पता चला कि नहीं दिया जाता। तो अपनी मनमर्जी के टैक्स वसूलना और फिर जनता के बीच में जाकर अपने आप को पाक साफ बताना, तो कहीं ना कहीं पीड़ा थी, कई विषय थे हमारे मन में व्यापारियों के प्रति। ये अचानक से हम सब लोग जो सामाजिक लोग हैं, व्यापारिक लोग हैं, हमारे मन में कुछ कई दिन से ऐसा चल रहा था कि ये आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है कहीं ना कहीं रुक जाना चाहिए, अब शहर के विकास की बात होनी चाहिए। शहर में जिस तरीके से तमाम जगह भी सड़कें भी धंसी हुई है तो इसमें जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? प्रदीप बत्रा तो गौरव गोयल का नाम ले रहे हैं, गौरव गोयल प्रदीप बत्रा जी नाम ले रहे हैं, आखिर आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? देखिए हम लोग तो जागरूक नागरिक हैं शहर के, जहाँ जहाँ भी हमें कमी लगती है हम अपनी आवाज़ उठाते हैं और जितनी हमसे सक्षम हो सकता है हमारे बस का होता है हम अपनी बात को रखते भी हैं और कराने की कोशिश भी करते हैं। हमारी मुख्य मांग व्यापारी स्तर पर मुख्य मांग थी कि हमारा हाउस टैक्स जो भवन कर है उसको कम खत्म किया जाए कोविड काल का, और यूजर चार्जेज अगर नगर निगम को वसूल नहीं है तो भवन कर में लगा दे, भवन कर एक ही टैक्स लिया जाए नगर निगम के द्वारा, यूजर चार्ज हम देना नहीं चाहते और नहीं देंगे। हमने हर स्तर पर अनुरोध किया है, अगर नगर निगम नहीं माना तो व्यापक आंदोलन करेंगे। नगर निगम देहरादून क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली मलिन बस्तियों से हाउस टैक्स कलेक्शन की योजना बना रहा है, जिसके लिए अनुभाग को रोस्टर तैयार कराने के आदेश भी दिए जा चुके हैं। अब जल्द ही मलिन बस्तियों को टैक्स कलेक्शन का काम कैंप लगाकर किया जाएगा। वहीं नगर आयुक्त मनोज गोयल के अनुसार लगभग 5 से 6 करोड़ का टैक्स इन मलिन बस्तियों से निगम को प्राप्त भी हो सकता है। उसके संबंध में भी अनुभाग को रोस्टर तैयार करने के नोटिस जारी कर दिए गए हैं और जल्दी उसका रोस्टर तैयार होकर उस पर कार्रवाई शुरू होगी। वर्तमान में थोड़ा सा ऑलरेडी जो कैंप्स चल रहे थे उसका भी कार्रवाई लगातार चल रही है, तो उसको रेशनलाइज करते हुए जल्द ही मन बस्तियों में हाउस टेस्ट कैंप्स भी लगने शुरू हो जाएंगे। प्रदेश में लगातार कैंसर मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसके लिए अब केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से कैंसर रजिस्ट्री की शुरुआत होने जा रही है। इस मुहिम के तहत सभी विभागों से एक कैंसर पेशेंट का डाटा इकट्ठा किया जाएगा और ये जानने की कोशिश की जाएगी कि किस क्षेत्र में किन वजह से कैंसर बढ़ रहा है, जो कि कैंसर को समझने में और उसका इलाज करने में एक बेहतर कदम साबित होगा। समय के साथ हम देख रहे हैं कि कैंसर की प्रकोप बढ़ता जा रहा है, ऐसे में हम देखें तो उत्तराखंड में बीड़ी सिगरेट पीने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है और इस क्रम में कैंसर की भी नंबर बहुत ज़्यादा हैं। तो भारत सरकार और स्टेट सरकार की एक मुहिम चली है कि जिसमें हम लोग सभी डिपार्टमेंट से कैंसर का एक डाटा इकट्ठा करेंगे और वो डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी में जाकर कलेक्ट होगा, जहाँ से वो आगे स्टेट और सेंटर को भेजा जाएगा। इससे हम लोग को एक डाटा ही सबसे बड़ी आज एक हमारी हथियार हो सकता है कि हम ये जान लें हम कहाँ लैग कर रहे हैं, कितने फंड की ज़रूरत है, किस तरह से हम लोग पैचेज में माना हो सकता है कि कोई कैंसर किसी एक स्पेसिफिक जगह पर ज़्यादा कॉमन है, तो उसके कारण जानने की भी कवायद की जाएगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री आवास योजना के नियमों को ताक पर रखते हुए नगर निगम कोटद्वार के द्वारा इसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण नगर निगम के वार्ड 37 में दिखाई दे रहा है। यहां पर एक स्थानीय नागरिक और अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जी आवास पास करा रखे हैं। बता दें कि वार्ड नंबर 37 पश्चिमी झंडीचोड़ में एक मामला सामने आया है, जहां एक अपार्ट लाभार्थी मुन्नी देवी खुद बता रही है कि उनका तो पक्का मकान है और उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल सकता था, लेकिन उन्होंने एक जिम्मेदार व्यक्ति को 20,000 रुपए देकर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लिया है, जिसमें अभी 60,000 रुपए किश्त मिलना बाकी रह गई है। अच्छा, ये मकान 7-8 साल में बना है। अच्छा, असल में क्या है कि निगम द्वारा जो पात्र लोग हैं उनको सद न्याय नहीं किया जा रहा है। कारण ये है कि उनके पास पैसा नहीं है निगम को देने के लिए। अगर निगम के पास उनके पास पैसा होता है निगम के देने के लिए, तो उनके मकान आते। हमारे गांव में ऐसे अपात्र लोगों के मकान आ गए हैं जो लोग उसके दायरे में आते नहीं थे। हम नगर आयुक्त महोदय से पूरी जान पूछना चाहते हैं कि आगे से गाइडलाइन क्या है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना से गाइडलाइन के अंतर्गत जो लोग आते हैं, क्या वो लोग जिन लोगों को दिया के जायज है। हम सरासर इसमें जो है हम जाँच की मांग करते हैं, और जाँच के साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि जिन कर्मचारियों ने, जिन अधिकारियों ने, जिन जनप्रतिनिधियों ने ये गलत काम किया, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें यदि किसी अपात्र व्यक्ति द्वारा को इसमें मिल गया है, तो इसमें सभी के स्तर पर ही लापरवाही भी है और इसमें एक अनियमितता भी है, क्योंकि लाभार्थी का भी अपना कर्तव्य था कि वो ये सुनिश्चित करे कि वास्तव में वो इसके लिए पात्र है या नहीं, और जो हमारे कर्मचारी हैं उनके द्वारा भी फील्ड में जाके सुनिश्चित किया जाना चाहिए था कि वो वास्तव में पात्र है या नहीं। तो निश्चित तौर पर ये दोनों की ही इसमें होगी, जो हमारे कर्मचारी सरकारी कर्मचारी उसके खिलाफ जो सरकारी सेवक नियमावली है उसके तहत कार्रवाई होगी, और जो पात्र जो लाभार्थी है जिसने धोखा देकर इस तरह के उसका लाभ उठाया है उसके विरुद्ध भी धोखाधड़ी में मुकदमा दर्ज करके उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई भी होगी, और इसके जो सरकारी धन का दुरुपयोग है वो भी उससे वसूली की जाएगी। चंपावत के लोहाघाट ब्लॉक के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय में अजीबोगरीब वाकया देखने को मिला है। अस्पताल के सफाई कर्मी के द्वारा मरीजों का इलाज कर दवाई बांटी जा रही है और अस्पताल के डॉक्टर ड्यूटी से नदारद पाए गए हैं। वहीं जब क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता बसंत वल्लभ भट्ट सुबह आयुर्वेदिक अस्पताल पहुंचे, तो वहां उन्हें अस्पताल के सफाई कर्मी मरीजों को दवा बांटते हुए नजर आए और डॉक्टर नदारद मिले। इस पर सामाजिक कार्यकर्ता बसंत वल्लभ भट्ट और ग्रामीणों ने आक्रोश जताते हुए प्रशासन से अस्पताल की व्यवस्था को सुधारने की मांग की है। तो आप सर 9:15 बजे करीब मैं हॉस्पिटल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल रोमसाला पहुंचा। व्यवस्थाएं देखी मैंने, तो एक स्वच्छक जो है एक सफाई कर्मचारी है वो वहां दवाई बांट रहा था। तब देखा मैंने, वहां पूछा मैंने कहा आपके डॉक्टर कहाँ हैं, उन्होंने कहा नीचे कमरे में है। और जब मैं नीचे कमरे में जाके देखा तो वो यहाँ है ही नहीं, वो गायब हैं, पता नहीं कब से गायब हैं। और न कभी कोई आता है, एक स्वच्छक दूसरे को दवाई दे रहा है, और इतना मतलब एक न्याय पंचायत रौंसाल है, इसमें 14-15 गांव हैं, और यहाँ एक छोटी सी व्यवस्था सिर्फ आयुर्वेदिक की है, और उसमें भी मतलब ये ऐसी लापरवाही कर रहे हैं, तो मैं शासन प्रशासन से ये कहूँगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। लक्सर के विद्युत विभाग कार्यालय में ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया है और धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों का आरोप है कि गोवर्धनपुर और भारूवाला के बीच बिजली के तारों की लाइन बनाई जानी है, लेकिन बिजली विभाग के अधिकारी मामले में सियासत का रुख अपना रहे हैं, जिससे दोनों गाँव के बीच आपसी रंजिश होने की संभावना बढ़ती जा रही है। पूरे मामले में लक्सर उप जिलाधिकारी गोपाल राम बीनवाल ने बताया कि विद्युत विभाग के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं लाइन को यथाशीघ्र चालू कराया जाए। के द्वारा गोवर्धनपुर से भारूवाला के लिए एक लाइन बिछाने के लिए कुछ पोल लगाए गए थे, और उसमें जो गोवर्धनपुर वाले लोग हैं उनके द्वारा
जो उनका फीडर है, जो ट्रांसफार्मर है, उससे लाइन में जोड़ने का उनका एक विरोध है और भारूवाला चाहते हैं कि उसी से लाइन जोड़ी जाए। अभी दोनों गाँव में विद्युत आपूर्ति बरकरार चल रही है, लेकिन आपसी मतभेद के कारण ये कार्य न होना ऐसा प्रतीत होता है। और ये लोग मेरे पास आए थे, इनको बता दिया है कि आप इसको विद्युत विभाग से संपर्क करें, शायद संभवतः आप विद्युत विभाग के पास लोग गए थे और विद्युत विभाग अगर इस लाइन को बनाने के लिए किसी भी प्रकार की प्रशासनिक सहयोग पुलिस बल मांगता है तो उपलब्ध कराया जाएगा और ये सारा प्रकरण विद्युत विभाग से संबंधित है। खबर उत्तरकाशी से है, जहां जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला ने क्षेत्रीय विधायक दुर्गेश लाल के साथ मोरी तहसील के नेटवार्ड गुराड़ी क्षेत्र के साथ ही हिमाचल प्रदेश से सटे आराकोट बांगाड़ क्षेत्र का भ्रमण किया है और आपदा प्रभावित ग्रामीणों का हालचाल पूछने के साथ ही राहत और पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। बता दें कि पिछले दिनों हुई ज्यादा बारिश के कारण मोरी तहसील के विभिन्न इलाकों में भूस्खलन होने के कारण सड़कों सहित अन्य परिसंपत्तियों और खेती को काफी नुकसान पहुंचा था। आराकोट क्षेत्र से और मोरी में भी अन्य क्षेत्रों से सेब की निकासी का कार्य शुरू हो गया है और गत दिनों में अतिवृष्टि के कारण यह मार्ग भी बाधित रहे, उनको सुचारू किया गया और उन कार्यों को देखने के लिए यहाँ पे जो परेशानियाँ हैं लोगों को, खासतौर पे सेब की जो हमारी सप्लाई है, उस चीज़ को देखने के लिए यहाँ मेरे द्वारा और क्षेत्रीय विधायक जी द्वारा रेखीय विभागों के साथ दौरा किया गया है और जो वर्तमान में स्थिति है उसको भी देखा गया है और आगे किस प्रकार से सड़कों की स्थिति बेहतर बनाई जाए उस पर चर्चा की गई। आपदा है, ये प्रकृति की मार है और ये सिर्फ ओनली आराकोट बंगाल में नहीं या मोरी ब्लॉक में नहीं, ट्रोला में नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में हुई है। पूरे इधर जो आप हिमाचल प्रदेश में देखिए या अन्य प्रदेशों में देखिए, भीषण आपदा है जहाँ पर जान माल को भी नुकसान हुआ, लेकिन मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ कि मेरे क्षेत्र में कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि मेरा क्षेत्र पूरा जो काश्तकारी क्षेत्र है, पूरी ट्रोला विधानसभा यहाँ पे बागवानी क्षेत्र है, कृषक है, किसान है, यहाँ पे नकदी फसलें हैं और साथ साथ जो अगर आप ट्रोला की बात देखें तो ट्रोला में जो लाल चावल की अधिक मात्रा में भूमि। रुड़की के इब्राहिमपुर गांव में गुरुवार को पीडब्ल्यूडी से रिटायर एक बुजुर्ग व्यक्ति ने संदिग्ध परिस्थितियों में लाइसेंसी बंदूक से खुद को गोली मार दी, जिसके बाद मौके पर हड़कंप मच गया। जिसे बताया जा रहा है कि पीडब्ल्यूडी कैशियर पद से रिटायर 82 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति राम कुमार ने सुबह तकरीबन 11:30 बजे संदिग्ध परिस्थितियों में खुद को गोली मार ली थी। सरकारी कर्मचारी हैं जो रिटायरमेंट के उपरांत और लगभग उम्र 82 वर्ष बताई जाती है, इसमें बंदूक से गोली मार के आत्महत्या करना बताया गया है। पोस्टमार्टम के लिए और पंचायत थाने की कार्रवाई के लिए मॉर्चरी में शव को लाया गया है, बाकी जो भी चीज़ें प्रकाश में आएंगी उसके आधार पर। डोईवाला के लच्छीवाला में उत्तराखंड परिवहन निगम यानी कि UTC की बस में अचानक आग लगने का मामला सामने आया है। दरअसल आग इंजन के पास रखे कपड़े में लग गई, जिससे बस से धुआं उठता देख यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, बस में 24 यात्री सवार थे। अचानक ही आग लगी, पता ही नहीं चला कि फिर ये कहने लगी गाड़ी में आग लगी, भागो करके फिर वही उतना ही कार दिया सब। इतनी देर में तो भक्त भी मर गए। कितने लोग थे गाड़ी में? गाड़ी में करीब होंगे 20। आप लोग कहाँ जा रहे थे? कहाँ से जा रहे थे? कहाँ जा रहे थे? अलग अलग जा रहे थे, कोई काशीपुर, कोई हल्द्वानी, कोई मतलब ठीक है, मतलब लाल कैसे आग लगी? आग क्या है, बोनट के नीचे जहाँ लीवर होता है ना, वहाँ नीचे कपड़ा रह गया होगा तो उसमें आग लगी, उसमें सिलेंसर में लगते। अच्छा, गर्म होने से? गर्म हो गया तो कोई नुकसान? कोई नुकसान नहीं है। कितने लोग थे? सब सुरक्षित हैं? सब सुरक्षित है जी। आपका नाम? अवनीश कुमार। कहाँ से कहाँ चलती गाड़ी है? ये हल्द्वानी चल, देहरादून हल्द्वानी। आप ड्राइवर हैं? हाँ जी। देहरादून में मंगलवार देर रात प्रेमनगर के केरी गाँव स्थित कृष्णा फिलिंग स्टेशन पेट्रोल पंप में बदमाशों का आतंक देखने को मिला। बता दें कि 10 से 12 युवकों ने सेल्समैन को जमकर पीटा, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है और वायरल भी हो रहा है। वहीं सेल्समैन कुलविंदर ने थाना प्रेमनगर में तहरीर दी। वहीं पुलिस ने 10 से 12 अज्ञात युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और आगे की जानकारी में जुट गई। कल दिनांक 2/8/2023 को थाना प्रेमनगर में एक मुकदमा दर्ज कराया कुलविंदर जो है
जो कि हरिद्वार के रहने वाले हैं, उन्होंने कहा है कि कृष्णा फिलिंग स्टेशन जो खैरी गांव में है उनके साथ में मारपीट की गई है कई सारे लड़कों के द्वारा। उसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया है थाना प्रेमनगर में। दो अभियुक्तों को हिरासत में भी ले लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही कि बाकी के लोग कौन थे और बाकी अभियुक्तों को हिरासत में लिया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। बारिश के कहर से किसान पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। भारी बरसात के चलते लक्सर मंगलोर खानपुर में आई बाढ़ ने सबसे ज्यादा खेती को नुकसान हुआ है। वहीं गन्ने की फसल से लेकर पशुओं का चारा भी बाढ़ की चपेट में आ गया है। वहीं बाढ़ क्षेत्रों का निरीक्षण करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मंगलोर क्षेत्र के गांव में जाकर किसानों की फसलों का जायजा लिया। वहीं बाढ़ के चलते बर्बाद हुई फसलों का जायजा लेने के लिए कांग्रेस समर्थकों के साथ हरीश रावत ने खेतों में जाकर बरसात में बर्बाद हुई फसलों का निरीक्षण किया। उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किसानों की बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा देने की मांग भी की है। और बुरी स्थिति हो ही नहीं सकती है। और अभी तो कोई पैसा नहीं दिया गया, कोई ठीक से सर्वे करके किसानों को आश्वासन नहीं दिया गया। अब तो पीने के पानी का संकट भी पैदा हो रहा है, चारे का संकट पैदा हो गया है, बीमारी का संकट पैदा हो गया है। एक गाय उदलहेड़ी की जो है बीमार पड़ी हुई है, कुछ दिनों बाद लोग बीमार पड़ने लगेंगे। इन खेतों से बदबू आ रही है, गन्ना सड़ने लग गया है। गन्ना गया, चरी गई, धान गया, उड़द गई, और अब ये जो पॉपुलर के पेड़ हैं ये भी एक हवा के मोहताज हैं, जिनमें इतना पानी भरा हुआ है। एक हवा तेज आएगी, न जाने कितने पेड़ इसमें से धराशायी हो जाएंगे। देखिए, चूँकि अतिवृष्टि हुई है और फसलों को और लोगों के घरों में जो है अतिवृष्टि से भारी नुकसान हुआ है, और इस अतिवृष्टि के सापेक्ष में बहुत जगहों ड्रेनेज की समस्याएं हैं। देखिए, आप देखें फसलों में जो पानी है वो एज इट इज़, जो वर्षा का जो पानी है वो एज इट इज़ रुक गया है, जिससे किसानों को बहुत भारी नुकसान हुए। और आदरणीय हरीश रावत जी ने भी और हम लोगों की मांग है कि किसानों को कम से कम 10,000 रुपया बीघा का मुआवजा दिया जाना चाहिए। सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है कि हरिद्वार में, पूरे हरिद्वार में नुकसान है इस बारिश का। इन लोगों ने लक्सर क्षेत्र को और खानपुर क्षेत्र को जो है आपदा घोषित किया है। हमारा रावत जी को दिखाने का मकसद या हम किसानों का ये था कि कोई तो हमारी सुने। हमारे नारसन क्षेत्र में ये बेल्ट जो है दहिया की मंडावली से लेके मन्नाखेड़ी, फिर उद्धलेड़ी, फिर मुंडिया की, फिर मुंडेट, फिर ठसका, फिर आपका जो ये चली गई है कुर्डी, जो हमारी मंगलोर मंडिया वहाँ से देखेगा, इतना पानी है, गन्ना सब खत्म हो गया। कर बरसे हैं। अकेले जुलाई माह की बात करें तो वर्ष सामान्य में 32% अधिक दर्जा की गई है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपियाल ने बताया कि उत्तराखंड में 1 जून से 31 जुलाई तक मानसून 16% से ज्यादा रहा है, जबकि आने वाले दिनों में भी मानसून के सामान्य रहने की संभावना है। वहीं अगले कुछ दिनों में मानसून एक्टिविटी बढ़ेगी, जिससे राज्य के अधिकतर इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार भी दिखाई दे रहे हैं। देखिए, अभी 1 जून से लेकर के आज 2 तारीख हो गई, तो अभी तक जो है उत्तराखंड में मॉनसून जो सामान्य से 16% अधिक जो है वर्षा देखने को मिली है, तो जो है नॉर्मल कैटेगरी में आता है। और अगर जुलाई की बात करें तो पिछले जुलाई महीने में जो है उत्तराखंड में जो वर्षा है वो सामान्य से 32% ज़्यादा मिली रही है। इसमें भी जो हमारे बागेश्वर, हरिद्वार जनपद हैं, इनमें ज़्यादा बारिश मिली है, जबकि जो नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ जनपद है, इनमें जो है सामान्य से कम वर्षा रही है। तो ओवरऑल देखेंगे तो अभी तक जो है आधा सीजन निकल चुका है, तो इसमें जो है मॉनसून जो रेनफॉल है वो सामान्य से 16% ज़्यादा रही है। जोशीमठ विकास खंड के अंतर्गत आने वाला गणाई गांव है, जहां जाने के लिए करीबन 6 से 7 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। वहीं अब चढ़ाई गांव के करीबन 20 से 25 परिवार इस वक्त भूस्खलन की चपेट में आ चुके हैं, जिस कारण यहां कई परिवार खतरे की जद में है। वहीं पीड़ित परिवारों का कहना है कि हमारे 20 से ज्यादा परिवारों के घर के ठीक नीचे ये आए दिन भूस्खलन हो रहा है, जिस कारण हम लोग अपने गाँव में सुरक्षित नहीं है और हम लोगों के साथ कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है, जिसके चलते उन्होंने सुरक्षित होने की मांग की है। हमारे आए दिन 2-3 महीनों से ये बरसात के कारण भूस्खलन, ये गांव की स्थिति ऐसी बनी हुई है, ये पैरा यहाँ पहुंच गए हैं। गांव वाले रात भर बेचैन है, सो नहीं पा रहे, ऐसी स्थितियां हो गई कि हम लोग जो है बेघर हो गए। नहीं हमारे पास कहीं पर वैकल्पिक व्यवस्था है, नहीं कहीं आने जाने का रास्ता है, नहीं कहीं पर सुरक्षित स्थान है हमारे पास।
मैं शासन प्रशासन से और जनप्रतिनिधियों से ये निवेदन करता हूँ कि वो तुरंत आके जो है हमें बचाने की कोशिश करें। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश भर की तमाम खबरों के लिए लगातार देखते रहिए जनटीवी।